नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टॉक इन्वेस्टिंग में स्वागत है। दोस्तों, जब आप और हम किसी भी शेयरों में निवेश करते हैं तो उस कंपनी से मिलने वाला रिटर्न, उस कंपनी की फंडामेंटल को देखते हैं, उसके बाद उन कंपनियों में निवेश करते हैं। अब उन्हीं में से एक कंपनी है दोस्तों, इजी माई ट्रिप। यह एक ऐसी कंपनी थी जो अपने निवेशकों को 286% का रिटर्न भी दिया है और साल 2021 में लिस्टेड हुई थी। उस समय से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो 286% रिटर्न और 2 बार बोनस और 1 बार स्टॉक स्प्लिट और 3 बार डिविडेंड देने का काम किया है। अब ऐसे कंपनी में निवेश करना कौन नहीं चाहेगा, तो उस समय शायद हमने भी खरीदारी करने की राय रखी थी। अब देखा जा रहा है कि इजी माई ट्रिप पिछले 1-1.5 साल से एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है, 39.70 रुपये के आसपास। तो अब आपके पास अगर ये शेयर होंगे तो आपके मन में एक जरूर सवाल होगा कि आखिरकार ये शेयर चल क्यों नहीं रहा। तो आज जानेंगे दोस्तों पूरा डिटेल्स के साथ, साथ में इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में फिर से जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आगे बढ़ने के लिए दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल के माध्यम से अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस चैनल का जो सबसे बड़ा मोटिव है दोस्तों कि आपको बेशक प्रॉफिट कम हो लेकिन नुकसान नहीं होने देगा। सबसे पहले इजी माई ट्रिप से मिलने वाला लाभ की ही बात कर लेते हैं, यानी कि रिटर्न। तो आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम चार्ट के अनुसार से यह कंपनी आपको 23% की गिरावट पे मिल रही है, जो कि गलत है क्योंकि यह कंपनी साल 2022 में 3:1 के रेशियो में बोनस के साथ साथ 1:1 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट दिया था, यानी कि प्रत्येक एक शेयर के बदले में 6 शेयर। जो चार्ट में करेक्शन नहीं होने के कारण से आपको इस तरह की चार्ट देखने को मिल रही है। हालांकि यहां से अगर आप देखें तो तकरीबन 286% का रिटर्न निकाल के दिया है। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो साल 2021 में इन्होंने 2 बार डिविडेंड दिया था, 1 रुपया और 3 रुपया। साल 2023 में इन्होंने 10 पैसा पर शेयर के हिसाब से दिया है। रही बात दोस्तों बोनस ट्रैक रिकॉर्ड की, तो आप देख सकते हैं 12 जनवरी 2022 को इन्होंने 1:1 के रेशियो में बोनस दिया था। ठीक उसी साल यह कंपनी 3:1 के रेशियो में बोनस दिया था, यानी कि प्रत्येक एक शेयर के बदले में आपको 3 शेयर दिए गए थे। और इसी टाइम पीरियड के दरमियान में यह कंपनी अपने ओल्ड फेस वैल्यू से 2 से 1 किया, यानी कि यहाँ पर भी आपको 1 शेयर के बदले में 1 शेयर का लाभ मिला है। तो रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कंपनी का, लेकिन अब सरदर्द बन गया है जिस किसी ने निवेश करके रखा है कि भाई चल क्यों नहीं रहा है। तो नहीं चलने का जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, कोई भी शेयर नहीं चलने के पीछे उनका 2 सबसे बड़ा रीजन होता है दोस्तों। पहला रीजन यह होता है कि जब आप मार्केट में उचित मूल्य पर शेयर मिल रही है तो निवेशक उन शेयरों के पीछे आकर्षित होती है, और आकर्षित होती है तो शेयरों के भाव बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के नियमों पे काम करती है। अब यहाँ पर देखा जाए कंपनी जब अच्छा कर रही हो तो ऑटोमेटिक शेयर के भाव बढ़ेगा, यानी कि जब यह कंपनी साल 2021 में लिस्टेड हुई थी तो उस समय इन्होंने ज़बरदस्त अपने निवेशकों को रिटर्न निकाल के दिया था, तो शेयर प्राइस जो हो गया वो ओवर वैल्यूड हो गया। ठीक, यानी कि हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करने लगे, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद उसके बाद से इन शेयरों में हलचल देखने को नहीं मिली। दूसरा रीज़न यह है दोस्तों कि ऐसे को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, जब आप सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाते हो तो जो सब्जी आपको कम देखने को मिलेगी उसका जो है ना भाव हमेशा बढ़ा रहेगा, यानी कि उसका डिमांड ज़्यादा है और क्वांटिटी कम है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उल्टा देखने को मिल रही है कि इजी माई ट्रिप के पास क्वांटिटी तो बहुत है लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं, जिनके कारण से भी शेयरों में हलचल नहीं देखने को मिल रही है। अब एडवांस चार्ट पे देखा जाए, कुछ ट्रेडर कुछ इन्वेस्टर जो हैं वो एडवांस चार्ट का भी उपयोग करते हैं। तो जब कोई शेयर डाउन ट्रेंड में होता है तो यहाँ पर तो आपको किसी को खरीदारी करते हुए देखने को ही नहीं मिलेगा। जब तक इसमें कोई बड़े निवेशक आते नहीं हैं और थोड़ी सी ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलेगा तो रिटेल कैटेगरी के जितने भी आदमी हैं वो सभी जो है ना इन शेयरों में इन ही नहीं करेगा। तो हम किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं, किसी और विदेशी निवेशकों या फिर DII वालों के पास, कि ज़्यादा संख्या में शेयर खरीदे तो शेयरों में तेजी आएगी, तो ब्रेकआउट मिलने के बाद हम भी एंटर कर लेंगे। तो कुछ समय से देखा जाए तो यह शेयर 1 दिन के टाइम फ्रेम पे ज़्यादातर इन्होंने जो टाइम स्पेंड किया है वो 37 रुपये से लेकर 39 रुपये के बीच में,
इस बीच में इन्होंने 52 रुपये का ऑल टाइम हाई जरूर बनाया था। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा अगस्त 2023 से लेकर अब तक के ट्रेक रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाए तो इन्होंने 39 रुपये के समथिंग जो है सबसे ज़्यादा मतलब टाइम स्पेंड किया है। और इस समय ऑल टाइम हाई के हिसाब से देखा जाए तो यह शेयर अभी डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रही है। तो 39 रुपये एक मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पे इस काम कर रही है। अगर यहाँ से यह शेयर 43 रुपये के ऊपर ट्रेड करेगा तो 100% दोस्तों इनमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो निवेश करना चाहेंगे। लेकिन अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू 1 साल 2 साल 5 साल के लिए है तो उनके लिए हम 1 हफ्ता और 1 महीने के टाइम फ्रेम का उपयोग करेंगे। तो यहाँ हमको क्या देखने को मिल रही है, तो एक हैमर कैंडल देखने को मिल रही है। तो यहाँ से एक मूवमेंट बन सकती है, लेकिन हमें वेट एंड वॉच करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ट्रेंड नहीं बदले तब तक हम इन शेयरों में नहीं खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि जब ये 37 रुपये का लेवल को तोड़ेगा तो ऑटोमेटिक और इन शेयरों में गिरावटें हो सकती है। तो गिरावट पे खरीदारी करने से क्या होगा, कम समय आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा। अगर आप ऑल टाइम हाई पे खरीदोगे फिर उसमें गिरावटें होगी फिर इसमें बढ़त होगी तो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। और फिलहाल दोस्तों इजी माई ट्रिप के अगर आपके पास शेयर हैं तो आपको होल्ड करने की आवश्यकता है। और जो सोच रहे हैं कि खरीदें कि बेचें, तो इन स्थिति में आपको खरीदारी तो करना भी नहीं है और जिनके पास है उन्हें बेचना भी नहीं है, ठीक। और रही बात नए निवेशकों की, तो दोस्तों जितने भी ट्रेवलिंग कंपनियां हैं उन सब में सबसे ज़्यादा अगर प्रॉफिट देने वाली कोई कंपनी है तो वो इजी माई ट्रिप है। तो निवेश करने से पहले इन कंपनियों के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। इजी माई ट्रिप जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है, यह कंपनी आपको ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने की सेवाएं प्रदान करती है एप्स के माध्यम से, चाहे वो हवाई जहाज़ की हो, चाहे वो होटल हो, या फिर बस की सेवाएं हो, या फिर कार हो, या हॉलीडे पैकेज। तो हर एक तरह के जो है ना ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करती है। और यह एक ऐसा कारोबार है दोस्तों, इसमें उधारी नहीं चलती है कि भाई आज दे दो दिन के बाद हम आपको पैसे पे कर देंगे, ऐसा नहीं होता, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो अगर देखा जाए इजी माई ट्रिप का तो इस सेगमेंट में 18% की हिस्सेदारी है और मेक माई ट्रिप का 52%। लेकिन इन सब के कंपेरिजन में दोस्तों एक और बेहतरीन स्टॉक है जो कि भारत सरकार की है, उसका नाम है IRCTC लिमिटेड। अगर आपको ट्रेन की टिकट बुकिंग करवानी होगी तो आपको पार्टनरशिप IRCTC की लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो इजी माई ट्रिप हो, चाहे मेक माई ट्रिप हो, या फिर अदर जितने भी वेबसाइट हैं। खैर IRCTC लिमिटेड के बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि अपने सेगमेंट का एकमात्र ऐसी कंपनी है जिनके कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं है। अब एक नज़र इस कंपनी की फंडामेंटल को देखें तो इजी माई ट्रिप मार्केट कैप के लिहाज से 7035 करोड़ की है, जो एक बड़ी स्मॉल कैप की कंपनी है। PE 55 पे ट्रेड कर रही है। जितने भी इनके कंपेरिजन में कंपनियां हैं उन सबसे बेहतर वैल्यूएशन पे तो फिलहाल मिल रही है, लेकिन 55 जो है ये भी थोड़ी सी महंगी ही है। प्रेजेंट में इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.25% है और इन कंपनी ऊपर जो कर्ज है वो 65 करोड़ का है। पिछले कुछ समय से ये भी देखा जा रहा है दोस्तों कि प्रमोटर लगातार अपने हिस्सेदारी को बेच रही है, फिर भी इनके जो रिपोर्ट है कंपनी के क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी के सेल प्रत्येक साल का जो है आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है, आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो 84%, प्रॉफिट ग्रोथ 36%, रिटर्न ऑन इक्विटी 46 का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 55 का, बहुत ही बेहतरीन है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट। तो साल 2021 से लेकर 24 के दरमियान में पहली बार ऐसा देखा गया कि क्वार्टर फोर में इन्होंने जो है कुल मिलाकर 130 करोड़ का सेल तो किया, लेकिन तकरीबन 9.5 करोड़ का लॉस हुआ। उसके पहले कंपनी लगातार सेल कर रही थी, उसके हिसाब से कंपनी प्रॉफिट भी कर रही थी। और अगर क्वार्टर वन की रिजल्ट की बात की जाए तो 105 करोड़ का सेल किया है और इस बीच में 34 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। पूरे साल के प्रॉफिट एंड लॉस में देखा जाए तो आपको साल 2019 से लेकर 23 के बीच में आपको प्रत्येक साल सेल्स बढ़ते क्रम में देखने को मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग कंपनी का नेट प्रॉफिट भी है। अगर तकरीबन देखा जाए प्रॉफिट मार्जिन 30 से लेकर 33% देखने को मिल रही है।
अब आते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में। पहले प्रमोटरों के पास आज से ठीक एक साल पहले जून 2023 में 71% की हिस्सेदारी हुआ करती थी, उसके बाद इन्होंने जो है तकरीबन 5% की हिस्सेदारी बेचा और ये जो है ना इंश्योरेंस कंपनी में मतलब चलने लगी, ठीक ना, अपने फंड को रेज किया इसको बेच करके। फिर जो है दिसंबर 2023 में इन्होंने अपने हिस्सेदारी में बिकवाली की तकरीबन 1% का, और इस समय जो देखने को मिल रही है दोस्तों वो अस्थित है 64.3% का। इस बीच में DI और FI पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है। अगर बढ़ा रही है तो ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है, तो पैसे को तैयार रखें। 4,000-5,000 रुपया कुछ बड़ी नहीं है, अगर खरीद लेते हैं तो चला तो तकरीबन दोस्तों आपको 200-250% का रिटर्न तो निकाल के दे ही सकता है 2-2.5 साल में, और रिटेल निवेशकों के पास 30% की हिस्सेदारी है। फिर भी दोस्तों EGMI, TRIFO या कोई और शेयर खरीदने या बेचने से पहले आपको खुद से भी रिसर्च ज़रूर करना चाहिए।